हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने वाईफाई नेटवर्क के नाम को कैसे हाइड करें, हाउ टू हाइड योर वाईफाई नेटवर्क नेम। दोस्तों यहां पे देखिए, मैं जहां पे रहता हूँ वहां एक से ज्यादा लोग राउटर यूज करते हैं, एक से ज्यादा वाईफाई नेटवर्क का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप राउटर यूज करते हो, अपने राउटर को ऑन करते हो, तो आपके राउटर का जितना भी रेंज होगा उस रेंज के अंदर अगर कोई भी डिवाइस अपने वाईफाई को ऑन करता है तो आपके राउटर का जो नाम होता है यानी जो SSID होता है, आपके नेटवर्क का जो नाम होता है वो उस डिवाइस में शो करेगा। बट अगर आप चाहो तो उसको हाइड कर सकते हो। अगर कोई भी अपने वाईफाई को ऑन करेगा तो आपके राउटर का, आपके नेटवर्क का जो नाम होगा वो उसको शो नहीं करेगा। वाईफाई में सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए वाईफाई में पासवर्ड का यूज किया जाता है ताकि कोई भी आपके वाईफाई नेटवर्क से इजीली कनेक्ट ना हो सके। बट फिर भी बहुत सारे टूल्स है जो अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए सभी वाईफाई कंपनी ने, सभी राउटर कंपनी ने अपने राउटर में एक फीचर दिया है जिसमें कि आप अपने वाईफाई नेटवर्क के नाम को हाइड कर सकते हो। अगर आपके वाईफाई नेटवर्क का क्या नाम है वही अगर किसी को पता नहीं होगा, कहां से ये नेटवर्क आ रहा है यही अगर किसी को पता नहीं होगा, तो उस नेटवर्क को हैक करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे वाईफाई नेटवर्क को हाइड करते हैं ये आज आप इस वीडियो में सीखोगे। मेरे पास MI का राउटर है, बट अगर आपके पास किसी भी कंपनी का राउटर है तो आप इस चीज को कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना होगा और आपके राउटर का जो भी एडमिन पैनल है वहां पे आपको लॉग इन कर लेना होगा। आपके राउटर का क्या एडमिन पैनल है, उसका IP क्या है, पासवर्ड क्या है, अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं करके रखा है तो नॉर्मली उसका पासवर्ड एडमिन रहता है, या फिर आपके राउटर का क्या पासवर्ड है वो आपको अपने राउटर के बॉक्स में या मैनुअल में या अपने राउटर के पीछे मिल जाएगा बैक साइड में। तो मेरा MI का राउटर है तो मैं miwifi.com में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड सेट करके रखा है, मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने MI राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुका हूँ। आप भी अपने राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना होगा। किसी भी कंपनी का राउटर आप यूज करें, सेटिंग्स में चले जाइए। अलग अलग राउटर में सेटिंग्स में जाने के बाद पेज कुछ अलग तरीके से दिखेगा, बट आपको जनरल सेटिंग्स में जाना होगा और जहां पे भी आपके राउटर का नाम शो हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मेरे राउटर का जो नाम है वो शो हो रहा है, इसको SSID कहा जाता है। जहां पे भी ये SSID शो हो वहीं पे आप स्क्रॉल डाउन करके देखना, कहीं ना कहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कि SSID को हाइड करने का फीचर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए डिवाइसेस वुडंट बी एबल टू सी दिस नेटवर्क, यानी कोई भी डिवाइस अगर अपने वाईफाई को ऑन करेगा तो इस नेटवर्क को देख नहीं सकता अगर मैं इस बॉक्स को चेक कर देता हूं। तो मैंने इसको चेक कर दिया है। अभी जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो वाईफाई, मेरा जो राउटर है वो एक बार रिबूट होगा, एक बार रिस्टार्ट होगा और उसके बाद मेरा जो नेटवर्क नाम है वो हाइड हो जाएगा और इस नेटवर्क से वही कनेक्ट हो सकता है जिसको ये नाम पता होगा और जिसको मेरा पासवर्ड पता होगा। तो मैं एक बार आपको करके बता देता हूं। आपके पास किसी भी कंपनी का राउटर हो आप ये चीज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा अलग लिखा हुआ हो सकता है जैसे कि TP-Link के राउटर में होता है कि हाइड योर SSID, बट ये फीचर आपको जरूर मिल जाएगा। तो मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए बता रहा है राउटर नीड्स रिबूट टू अप्लाई दिस सेटिंग्स, एक बार रिस्टार्ट होता है, सभी कंपनी का राउटर रिस्टार्ट होता है। तो ये 30 सेकंड में रिस्टार्ट होके रेडी हो जाएगा और जैसे ही ये रिस्टार्ट होके रेडी हो जाएगा वैसे ही मेरे वाईफाई नेटवर्क का जो नाम है वो हाइड हो जाएगा। तो इसको रिस्टार्ट होने देते हैं और उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा राउटर जो है वो रिबूट हो चुका है और मेरे वाईफाई का जो भी नाम था वो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वो हाइड हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप लैपटॉप में अपने नेटवर्क को सर्च करोगे तो यहाँ पे एकदम नीचे आपको एक हिडन नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा।
बट अगर आप फोन से या टैबलेट से सर्च करोगे तो कोई भी ऐसा हिडन नेटवर्क वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर लैपटॉप में आपको कनेक्ट होना है तो सिंपली हिडन नेटवर्क के बटन पे आपको क्लिक करना होगा, कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। आपके राउटर का जो भी नाम होगा, जैसे कि मैंने चेंज करके आर रखा था, जो भी SSID होगा उसको आपको पहले यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। अगर आपके राउटर का जो SSID है वो अगर सही हो, अगर आपका जो पासवर्ड है वो सही हो, तभी कोई आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। और ये नेटवर्क नेम अभी इस डिवाइस पे शो हो रहा है, बट इस वाईफाई के रेंज में जितने भी डिवाइसेस है वो अगर सर्च करेंगे तो उनको ये नेटवर्क नेम शो नहीं होगा। मोबाइल में कैसे कनेक्ट होना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल या फिर टैबलेट में वाईफाई को ऑन करोगे, वाईफाई नेटवर्क को सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको वाईफाई नेटवर्क का नाम जो है वो शो नहीं होगा, और यहाँ पे कोई हिडन नेटवर्क करके भी शो नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है, बट मेरा जो वाईफाई नेटवर्क का नाम है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कोई हिडन नेटवर्क करके भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मोबाइल में या फिर टैबलेट में कैसे आप अपने वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, इसके लिए आपको नीचे ऐड नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐड नेटवर्क पे आपको क्लिक करना होगा। ऊपर SSID में आपके राउटर का जो भी नाम है, आपके नेटवर्क का जो भी नाम है वो देना होगा। मैंने चेंज करके आर रखा था। यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप आपको देना होगा, WPA/WPA2 PSK, ये है मेरा सिक्योरिटी टाइप। और फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड को डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ऊपर इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड हो चुके हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।